सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है कॉलेज का कैंपस टूर। अभी हम लंगारा के बाहर ही खड़े हुए हैं भाई। मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ अब कैसे क्या होता है भाई। जो लोग सरी से आते हैं ना, वो सामने स्टॉप दिख रहा है भाई, मैनिटोबा स्ट्रीट है वो स्टॉप का नाम। वहाँ पे हम उतरते हैं और हम यहाँ से कॉलेज एंटर करते हैं। और जब आपने कॉलेज से घर जाना है ना, एक मेरी एडवाइस है पर्सनल, वो सामने मैनिटोबा नहीं है, ये एक वो स्टॉप है, मेट्रो टाउन जाती है यहाँ से। बस इधर से नहीं चढ़ना कभी भी भाई, इधर तक लाइन लगी होती है। बस आदमी 50-60 बच्चा खड़ा होता है। इससे ना थोड़ा सा दूर वहाँ पे बटा स्टॉप है, वहाँ से चढ़ना हमेशा जब भी चढ़ना है। अब कॉलेज के अंदर चलते हैं, टूर करते हैं पूरा कॉलेज। भाई दिखाना पॉसिबल ही नहीं है, तो मेन मेन चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, मतलब ऐसा होगा कि आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो भाई हम यहाँ से रोड क्रॉस करके अंदर जाते हैं और अब चलना शुरू करते हैं अंदर। अंदर जाने से पहले ना मैं आपको ये पोल एक्सप्लेन कर दूँ भाई। ये पोल ना पुश फॉर हेल्प लिखा है, मैं दबा नहीं रहा, पर यहाँ पे गाइस को करके बता यार। नहीं कर जैसे इसको दबाओगे ना, यहाँ से कॉल चली जाएगी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को और वो लोग एकदम से आ जाएंगे। तो ऐसा होता है कि मेरा धेरे में आप गुम होगी कॉलेज में, यार आप नहीं हो जैसे पता नहीं है। तो अब ये बटन प्रेस कर दो और सिक्योरिटी साथ के साथ आ जाएगी और आपको असिस्ट कर देगी, कोई भी दिक्कत है तो। अंदर चलते हैं हम, वहाँ से अभी चल के आए हैं। उधर से चलते जैसे आप अंदर आते हो ना, सामने सिक्योरिटी ऑफिस है, इधर ही कॉल्स प्लेस होती है। कोई दिक्कत है सिक्योरिटी में बता दो। यहाँ पे पहले दिन सिक्योरिटी है, बहुत हाई फाई सिक्योरिटी है, जॉब जूब नहीं मिलती जल्दी सिक्योरिटी में। और भाई जैसा चलते होगे ना, सामने बुक स्टोर है, तो बुक स्टोर अभी तो क्लोज है, नहीं तो मैं अंदर से जो दिखाता। मेरे पास कुछ सिनेमैटिक्स तो पड़े हैं बुक स्टोर के, तो मैं वो आपको दिखा दूंगा। अब इधर चलते हैं, इधर जैसे चलोगे वो सामने जिम है भाई, वो सामने जिम है। और इधर मैप्स लगे हुए हैं, तो कोई भी आपको दिक्कत है कुछ ढूंढना है, मैप्स में साथ ही साथ देख सकते हो। वो सामने जिम है, जिम के अंदर भाई वेट लिफ्टिंग नहीं होती, यहाँ पे बास्केटबॉल वगैरह स्पोर्ट्स है। वो आप langara.ca पे चेक कर लो, उधर सारा कुछ मेंशन है कौन से स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले जाते हैं। वो भी आज क्लोज है, नहीं तो मैं सारा दिखाता। आज बेसिकली सैटरडे संडे कॉलेज क्लोज ही रहता है, ज़्यादा होता नहीं है। और अब हम सीधा टेक बिल्डिंग चलते हैं अंदर, टेक्नोलॉजी बिल्डिंग होती है जो साइंस एंड टेक बिल्डिंग। तो वैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल्डिंग में आ गया भाई। इधर सिर्फ टेक की क्लासेस होती है और साइंस की, मैं आपको दिखा दूंगा वो भी। और अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे आके, तो सामने सबवे है, आज बंद है, आज सारा फूड कोर्ट बंद है कॉलेज का। स्टारबक्स खुला हुआ है, वो लाइब्रेरी में, वो दिखाऊंगा। तो सामने सबवे है, इधर फूड कोर्ट है, ये मतलब टी बिल्डिंग का फूड कोर्ट है छोटा सा। और यहाँ पे माइक्रोवेव भी लगे होते हैं अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ सारी की सारी मशीन्स लगी हुई हैं, गर्म पानी करने की, कॉफ़ी बनाने की। माइक्रो सामने लगे हैं, इधर अंदर वॉशरूम्स हैं, तो काफ़ी बढ़िया है ये। ये सब भी हो गया। और जितनी क्लासेस हैं यहाँ पे लगती हूँ, इधर ग्राउंड पे कुछ नहीं लगता। ग्राउंड पे आपकी सिटिंग्स वगैरह वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे इधर सामने डेस्क लगे हुए हैं सारे, सबके साथ चार्जर सॉकेट अटैच हैं, तो आप चार्जिंग करके साथ के साथ कर लिए, कोई इशू नहीं है। इधर बैठती हैं सब लोग, यहाँ पे क्लासेस सारी ऊपर है। मैं आपको एक एक फ्लोर तो नहीं दिखा सकता भाई, वो पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो वैसे कैमरा मैंने पकड़ लिया भाई, कैमरामैन मेरा नीचे रह गया, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। थर्ड फ्लोर है, तो इधर भी जैसे स्टूडेंट लॉन्च बना हुआ है, आप जितनी पढ़ाई करनी है इधर कर लो। ऐसी डिट्टो सेम फ्लोर ऊपर है, डिट्टो सेम है बिल्कुल। तो मैं अभी थर्ड फ्लोर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे चलोगे, मतलब मैं अपनी क्लास दिखा देता हूँ, इसको भी दिखा देता हूँ मैं अपनी क्लास। तो यहाँ पर मेरी फिजिक्स की लैब और क्लास लगती है, और कुछ नहीं लगता है मेरा। टी बिल्डिंग सिर्फ एक ही क्लास लगती है। तो ये फिजिक्स का लैब है मेरा, इधर लैब लगती है फिजिक्स की, ठीक है। इधर लैब लगती है सिर्फ, क्लास अलग लगती है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वही इतना लंबा कॉलेज है ना, सांस चढ़ाते चलते चलते। तो वो सामने T340 है शायद, मतलब हाँ ये 342 है। इधर मेरी फिजिक्स की क्लास लगती है, तो ये देख लो, ये फिजिक्स की क्लास है। ये भाई नर्सरी सिमुलेशन सेंटर है, ये देखो आप, देखो ये देखो भाई, सही में ऐसे लग रहा है ICU है। डमी है अंदर? हाँ डमीज है अंदर, ये देखो उधर भी हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं जैसे। ये डायरेक्टरी है भाई थर्ड फ्लोर की, ऐसी हर एक फ्लोर की डायरेक्टरी ना हर फ्लोर पे लगी हुई है। तो आपकी जो भी क्लासेस है ना, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका जो शेड्यूल आएगा उधर लिखा होगा ऐसे टी, तो टी का मतलब टी बिल्डिंग है, उसके आगे जो 312 जो भी लिखा होगा उसका मतलब लेवल है। तो मेरा जब शेड्यूल आया था T350 लिखा था, तो मतलब थर्ड लेवल और टी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी बिल्डिंग, तो हिसाब से देख लेना। और हम चलते चलते मतलब आपको समझ आ जाएगा यहाँ पर फ्लोर। तो इधर और सिटिंग एरियाज हैं, वहाँ पे मैं कोने में अपनी क्लास लगाता हूँ, और सामने लंगारा का व्यू भी दिखता है। तो ये टी बिल्डिंग होगी, आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह। तो वैसे ऊपर यार एग्जाम्स हो रहे थे, मैं इतनी तेज़ बोल रहा था, मैम कहते हुए तुम यहाँ तो धीरे बोल दो या कहीं और शूट कर लो। तो हम वापस उसी जगह आ गए हैं, तो मैंने आपको समझा दिया, चेयर्स वगैरह सारे ऑल ओवर लगे हुए हैं, आप अपने फ्लोर वगैरह देख लेना।
मेन तो टी बिल्डिंग इतनी है और टी बिल्डिंग से डायरेक्ट लाइब्रेरी चलते हैं। डोर को ओपन करके ऐसा ओपन करना जब जो नेक्स्ट जो है ये लाइब्रेरी के हिसाब से लाइब्रेरी शुरू हो जाती है। और लाइब्रेरी में बेसिकली भाई सिनेमैटिक शीट दिखा दूँगा आपको, क्योंकि अंदर बोलने देंगे लाइब्रेरी में आईटी डिपार्टमेंट है, वो मैं आपको अभी बोल के बता देता हूँ कैसे है वो। और हाँ भाई एक और चीज़ यहाँ पर ना एक नया रूल सीखा है, जैसे अगर मान लो मैंने डोर खोल दिया और मेरे पीछे कोई आ रहा है तो मुझे डोर ओपन करके रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं डोर को छोड़ के निकल जाऊँगा, मुझे ऐसे इसको ओपन वो होगा बाहर को है ओपन करके आता नहीं मतलब लाइब्रेरी गुस्सा ही नहीं। ये स्टारबक्स है भाई बढ़िया स्टारबक्स यहाँ पे, तो ये ओपन है आज अदरवाइज यहाँ पे लाइब्रेरी और ये आईटी डिपार्टमेंट है। तो इधर आपकी फोटो आईडी स्कैन होती है, वो ना मैं इस दिन वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा फोटो आईडी कैसे मिलती है वहाँ पर स्कैन होती है। अब लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं, उसके सारे सिनेमैटिक्स होंगे भाई पता ही है लाइब्रेरी आपको क्वाइट प्लेस होती है तो बोल तो सकते नहीं वैसे मैं इतनी तेज़ बोल रहा हूँ, तो मैं आपको सिनेमैटिक्स दिखा देता हूँ। गाइस लाइब्रेरी से हम बाहर निकालने जा चुके हैं शूट कर रहे थे, वहाँ पे ना वो खड़ूसी मैम बैठी थी कहती नो फोन्स इन द लाइब्रेरी विदाउट परमिशन। हम बाहर आ गए फिर तो भाई देख लेना मैं लाइब्रेरी मेन तो स्टारबक्स ही है वहाँ पे और तो कुछ है नहीं इतना वहाँ पे, और कंप्यूटर्स भी है वहाँ पे तो प्रिंटिंग सर्विसेज वगैरह सब लाइब्रेरी में ही है वहाँ पे होता है। और हम लाइब्रेरी से जैसे निकले हम टी में घुसे थे, टी से लाइब्रेरी डायरेक्ट ऐसे है लाइब्रेरी उधर से निकल के उस सामने बी बिल्डिंग है, बी बिल्डिंग में हेल्थ सर्विसेज हैं और क्या हेल्थ सर्विसेज के अलावा अभी अंदर जाके चेक करते हैं। हाँ तो भाई सामने से लाइब्रेरी से बी बिल्डिंग चलते हैं और बी बिल्डिंग में ना यार बेसिकली मैथ्स वगैरह की क्लासेस होती है, मैथ्स होगी स्टैट्स होगी बाकी अपने शेड्यूल चेक कर लेना। मेरी मैथ्स यहाँ पे लगती है, मैं आपको अपनी B32 क्लास दिखाता हूँ वहाँ पे मैथ्स की क्लास लगती है और ऊपर इधर सबके टीचर्स के वो भी हैं मतलब अच्छे अपना देख लेना है टीचर्स के जो रूम्स हैं वो भी सारे यहीं पर होते हैं। और यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज हैं, काउंसलिंग डिपार्टमेंट भी यहाँ पे, काउंसलिंग बहुत मेन डिपार्टमेंट है भाई वहाँ पे आप चेक कर लेना काउंसलिंग डिपार्टमेंट भी है वो इसके फर्स्ट फ्लोर पे है। तो पहले मैं आपको B32 दिखाता हूँ उसके बाद मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे काउंसलिंग और हेल्थ सर्विसेज दिखाता हूँ और हेल्थ सर्विसेज से डायरेक्ट ए बिल्डिंग चलते हैं। ए बिल्डिंग है भाई मज़ेदार दिखाने वाली चीज़ तो वहाँ चलेंगे, टीम ऑटो वगैरह सब है। तो वैसे B32 में ना मेरी एग्जाम हो रहा था इसलिए मैं शूट नहीं किया और मेरे पास बहुत धीरे हो गई क्योंकि एग्जाम हो गए और फिर भी कदम की तरह शूट करने लगे हुए हम जहाँ तो फर्स्ट फ्लोर आ गए। इधर हमारा काउंसलिंग है इधर साइड में बी बिल्डिंग है फर्स्ट फ्लोर पर हमारा काउंसलिंग है और बी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे ही। अरे हाँ यहाँ पे एक चीज़ और भी है जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसको फर्स्ट कहते हैं, फर्स्ट को सेकंड कहते हैं, यहाँ पे जो बेसमेंट है उसको ग्राउंड कहते हैं। तो ये भी सिस्टम है यहाँ पे लिफ्ट उफ्ट के बाद गल चल जाते हैं, मैं बहुत बार नीचे जा रहा हूँ। तो वैसे आपने काउंसलिंग डिपार्टमेंट है इनके ऑफिस देख लो आप मंडे थर्सडे फ्राइडे ऐसे होते हैं और जैसे आप तो यहाँ से जैसे चलोगे ये रही हेल्थ सर्विसेज तो इनके भी टाइमिंग फिक्स नहीं है यहाँ पे देख लेना मतलब यार आप तो आप चेक कर लो ये इनका बोर्ड बोर्ड सा लगा हुआ है यहाँ पे अंदर हेल्थ सर्विसेज है ये डिपार्टमेंट है भैया। बोरिंग काम यहीं से ख़त्म होता है सारा, अब तू कैमरा पकड़ो मैं देखो बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाता हूँ अब। तो भाई जैसे यहाँ से निकलेंगे ना बी बिल्डिंग समाप्त मतलब यहाँ पे मिनी इंडिया शुरू हो जाता है अब। अच्छा इधर भाई अगर आप टिम हॉर्टन वाली आपको दिखाता हूँ अभी भी पंजाबी बैठे होंगे अपने टिम हॉर्टन वाली जो जगह ना 200 की कैपेसिटी है उसकी 200-250 बंदा बैठ जाता है ग्रुप गुट बढ़ते जाते हैं सबके टिम हॉर्टन पे लाइनें लगी होती है गुट बट के ना सबके उसके बाद पत्ते चल रहे हैं कहीं कुछ चल रहे हैं मजा तो यहाँ पे आता है यहाँ पे आपको फॉरेन की फील आएगी। ये बिल्डिंग शुरू होगी हाँ यहाँ से ये बिल्डिंग शुरू होगी है मतलब जो टी होगी बी होगी उधर तो लगता है चलो अंग्रेज है। तो वैसे आ गया हम यहाँ पे ए बिल्डिंग के कैफेटेरिया में जो सबसे बड़ा कैफेटेरिया है यहाँ का वो देख लो टिम हॉर्टन ये रहा सामने रसोई खुली हुई है देख लो रसोई है वो रसोई लिटरली वही यहाँ पे देख लो 200 की कैपेसिटी है ये वाला जो कोना है ना यहाँ पे मिनी इंडिया होता है आप यहाँ पे कुछ भी करवा के यहाँ पे मतलब आपको फील ही नहीं आएगी आप अंग्रेज हूँ यहाँ पे जरूर आना यहाँ पे मैं तो आता ही नहीं यहाँ पे सारे अपने बंदा ऐसे इंडिया ही रखते मैं आता नहीं यहाँ पे जाता ब्रेक भी नहीं होती यार बीच में तो मैं आता नहीं अभी भी सामने आपको पीछे दिख रहा होगा एक ग्रुप बैठा हुआ है पंजाबीज का सामने तो यहाँ पे ऐसी है वो बहुत बड़े कैफेटेरिया है और यहाँ पे ना अपना वो भी लगे माइक्रोज भी लगे हुए हैं अंदर और मतलब यहाँ पे तो है 25-30 माइक्रोज लगे हुए हैं तो कुछ भी आपने गर्म गुरम करना अपना टिफिन ले आओ तो माइक्रो वाला टिफिन ला रहा भाई कहीं कॉलेज में आप लगा दो होता है यहाँ पे मजाक नहीं तो यहाँ पे लेना और ये ना मोबाइल ऑर्डर वाले हैं सारे तो मतलब खुद ही ऑर्डर कर सकते हैं कहाँ यहाँ पे और टैप ऑर्डर करके मोबाइल से ऑर्डर करो अपना क्लास में ऑर्डर कर दो बाद में उठा के ले लो तो यहाँ पे मिलता नहीं जल्दी यहाँ पे बहुत लंबी लाइनें होती हैं लगा ही हुआ है हाँ बहुत लंबी लाइन होती है यहाँ पे तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और हम वापस अब पढ़ाई वाले एरिया में आ जाते हैं लेकिन वही है कि बोल जा सकते नहीं आपको मेन चीज़ यहाँ पे और दिखाता हूँ
यहाँ पे कियोस्क लगा हुआ है तो कोई भी ऐसी दिक्कत है यहाँ पे अपनी रिजॉल्व करो। ये वाली मेन चीज़ है भाई, जितने प्रोग्राम है कॉलेज के इधर होते हैं, इधर आपने देखा ही होगा मेरे को भी वैलेंटाइन हो गया और कौन सा होता है यहाँ पे ये वो भी ये लूनर न्यू ईयर वो भी यहीं पे होता है, बहुत कुछ होता है। हाँ चीनों का होता तो हाँ चीनों का तो वो भी यहाँ पे तो सब कुछ यहाँ पे होता है। यहाँ पर हमारा ग्लोबल ईयर तो कोई भी चक्कर है आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट होने का मतलब कोई भी आपको दिक्कत है तो हमारा ग्लोबल आ जाओ सारे यहाँ दिक्कत हो जाएगी। सामने उधर एग्जिट है मतलब इधर ना अंदर से हम आए हैं तो इधर से आके A130 सामने लिखा है, सुना ही होगा आपने एलईडी यहीं पे होता है भाई। थिएटर टाइप ही है अभी खुला ही होगा लेकिन आपको अंदर ले चलता जो थिएटर टाइप होता है यहाँ पे एलईडी होता है जीप सही है भाई आपको एग्जाम का माहौल ही नहीं लगता भाई। ऑडिटोरियम में बिठा हमें पेपर चल रहा है तो इतनी यहाँ पर बिल्डिंग है अब यहाँ से एग्जिट कर। हम कॉलेज से बाहर तो आ गए थे भाई, एक चीज़ बतानी भूल गया मैं आपको, अगर आपको डायरेक्ट बी बिल्डिंग जाना है ना ऐसे टी बिल्डिंग से घूम के थोड़ जाओगे, टी से फिर लाइब्रेरी फिर बी भाई इधर से आगे वो सीधा रास्ता जा रहा है यहाँ सीधे रास्ते से अपने टी बी बिल्डिंग चले जाना लाइब्रेरी टप के, उधर से ऐसी ए बिल्डिंग डायरेक्ट जा सकते हो। वो तो मैंने ऐसे वो तो बी से अंदर से था ये बिल्डिंग का रास्ता। हाँ अंदर से मतलब जिसने डायरेक्ट जाना है बस स्टॉप से तो उधर भी जा सकते हो। और भैया अब इस वीडियो को एंड करते हैं, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है मतलब ठंडी से बुरा हाल हो रहा है, हमारे हाथ जेब में जा चुके हैं देख ही लो। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं भाई, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जितना यार हमसे पॉसिबल हमने शूट किया है उतना पूरा कॉलेज बहुत बड़े नहीं घुमाया जा सकता भाई वो एकदम से। तो आई होप मैंने मेन चीज़ आपको दिखा दी होंगी, बाकी तो भाई इतना बढ़िया कॉलेज है आप जब आओगे तो खुद से देखना। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।